प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल चूड़धार में पेयजल किल्लत हो गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां पिछले एक वर्ष से जल शक्ति विभाग द्वारा उठाऊ पेयजल योजना बंद है, जिससे यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों से हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु चूड़धार पहुँच रहे हैं। चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबू राम शर्मा ने बताया कि चूड़धार के लिए चूड़धार खड्ड से बनी लिफ्ट एक वर्ष से बंद है, इसके चलते यहां पर पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विभाग को कई बार अवगत किया जा चुका है, मगर विभाग हमेशा आनाकानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चूड़धार में 3 स्टोर टेंट बने हुए हैं, वह भी इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मगर इसकी मुरम्मत भी विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। चूड़धार में श्रद्धालुओं के लिए बने शौचालय पानी की किल्लत से बेकार साबित हो रहे हैं और लोगों को मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ रहा है। भाजी, पानी की तो ये कुछ दिनों से 4-5 दिनों से भयंकर समस्या आ रही है। कि जब से ये बारिशें बंद हुई तब से पानी की बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि ये जो लिफ्ट का पानी है यहाँ पे, वो इस साल की बात करें हम तो इस साल लिफ्ट चली ही नहीं है जी, और हमने विभाग को इस बारे में कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन आज का कल हर कल का परसों बस ये ऐसा ही बोला जा रहा है। लेकिन और टैंक यहाँ पे जितने भी टैंक है, ये एक टैंक यह है, दो तीन टैंक, तीन टैंक ऊपर को है, ये सारे लीकेज है। और हमने पिछले साल भी विभाग को इस बारे में अवगत करा रखा था कि ये सारे टैंक लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके मतलब इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले कल भी यहाँ पे काफी लोग आए हुए थे, सेकंड सैटरडे था, शनिवार का दिन था, नवरात्रे भी चले हुए, तो लोगों को बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बस तब ऐसे ही इधर उधर से बावड़ी के जल से ऐसी व्यवस्था हो रही है जी, पर मैं बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को बाहर जाने के लिए, फिर नहाने धोने के लिए, तीर्थ स्थान की बात है,